दिया, अबू ने आपको पैसे दिए, इससे पूरी फ्राइज की दुकान खरीदना और हमें भी खिला देना। 3, 4, 5, 6 ये है। और उनको कोई परवाह नहीं है अपनी बीवी की। 4 बजने वाले हैं और ये अभी तक नहीं आए गाइस। महाज साहब जो है वो नहीं आए थे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात की तरह ये महाज खाना जरा भी गेम खेल रहे हैं, अभी भी गेम खेल रहे हैं। इनका रात को भी यही रूटीन होती है, सुबह भी यही रूटीन होती है। तो अभी सुबह उठी हूँ, आज अम्मी नहीं थी, सुबह उठी हूँ, किचन वगैरह साफ किया है, रूम वगैरह साफ किया है, क्योंकि आज संडे था तो मेड भी नहीं आई है। और बाय द वे आप सोच रहे होंगे मैंने लेंस लगाए हुए, तो इस वजह से लगाए हुए क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मेरे शूट पे जाना है, मेरा एक शूट है। और लकली महात कर रहे हैं मेरा शूट, तो खैर अभी बस पहले मैं सलून जाऊँगी, सलून से थोड़ा सा रेडी होना है, इंशाल्लाह फिर मैं शूट के लिए निकलूँगी। आप बताओ क्या कर दिया, अबू ने आपको पैसे दिए, उसने क्या लोगी, आप मुझे खिलाओगी, मामी को भी खिलाओगी? ये क्या, दिखाओ पैसे दिखाओ। अबे ये क्या लिए, देखने जरा आजकल के बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं। दो कितने काउंट करो, 1, 2। ये आपने पैसे दिए इसको? आपने दिए बाबा? हमें तो कभी नहीं दिया आपने इतने, बचपन में हमें 2 रुपए देते थे आप। आप एक ले लो, सारे लेने हैं, देखना। अच्छा ये टोटल कितने, बस हो गए ना, टोटल कितने है बताओ तो, टोटल कितने? अरे ऐसे फट जाएंगे, दिखाओ मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है 3000। कितने? 3000। कितने? 3000। बाबा ने इसको 3000 दिए। इसका क्या करोगी ये तो बताओ। ये लो, इससे सुनो, आप सुनो इधर, इससे इससे पूरी फ्राइज की दुकान खरीदना और हमें भी खिला देना। इससे फ्राइज खरीदोगे आप? बहुत सारे फ्राइज आएंगे इससे, तो छुपा के रखो जल्दी से, कुछ चोरी कर लेगा। वही वही निकाल इधर पैसे। अच्छा मैं खिलाऊंगी ना, हम दोनों को फ्राइज खिलाओगी ना? नहीं खिलाऊंगी। देना जरा, जो हम भी इसे कुछ नहीं खिलाएंगे फिर। मामू को फ्राइज भी खिलाओगी और मामी को? अच्छा जी, हुरैन की पप्पी का टाइम हो गया है गाइस। आप लेफ्ट, मैं राइट। मैं लेफ्ट। रोने वाली हो रही थी अभी। अरे ये क्या था, ये क्या था? ये क्या था? रेगी तो भी मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट सैलून गाइस, हिरा के पास। हाय हिरा। हेलो, मुझे भी। और ये हिरा अपना हमारा मेकअप करने वाली है आज का। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। yes. ये मेरी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हो गई है गाइस। ओके गाइस, तो अभी हम शूट से फारिग हो गए। बड़ा मुश्किल शूट था आज वाले किंबल यूज की शूट में, बहुत टफ चीज थी बट बहुत मजा आया। और अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स जी। तो खाना हमने ले लिया है और घर जाना पड़ गया क्योंकि बाबा के पास चाबी नहीं है और बाबा घर पे आ गए, तो अब घर जाना है हमें। भूख लग रही है गाइस, गैस नहीं आ रही है, सो व्हाई नॉट। हाँ सो रही थी मैं, सोते सोते उठी हूँ। और ये इसकी मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है, पानी ना गिर जाता है। तो जी टाइम हो रहा है 2 और महात खाना जर जो है अपने दोस्तों में चले गए और उनको कोई परवाह नहीं है अपनी बीवी की। हालांकि अभी वो दोस्तों के पास से होके आए, लेकिन मजाल है जो उन्हें किसी चीज़ की परवाह हो कि बेगम को भूख लग रही है, बेगम ने कुछ खाया है या नहीं। नहीं, बस कॉल करी, मैसेज किया कि बेगम मुझे देर हो जाएगी, जबकि वो गए थे कोई मीटिंग में और अचानक से उनकी कॉल आई,
बेगम मुझे ना आज दावत पे जाना है, वो ये वो है, पता नहीं कोई आया हुआ है तो कल चला जाएगा तो दावत देगा। मैंने कहा ठीक है, दावत पे जाने की इजाज़त मिल गई उन्हें, वो चले गए दावत में। कहाँ गए? दो दरिया। ठीक है, ये भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कॉल आती है, बेगम वो थोड़ी देर बैठने का कह रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, और जो है ना कल तो वह वैसे भी चला जाएगा ना, तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं। मैगी तो खा लिया है, अब और भूख लग रही है मुझे तो। अब ये मार जो केक लाया था ना, ये खा रही हूँ। अच्छा ये केक बड़े मज़े का होता है, ये वाला ये ग्वादर से लाते हैं महार, और ये इतना मज़े का है, इसमें स्पून भी होता है। खोल के दिखाते हैं आपको, वेट इस तरह का होता है ये केक ना, और ये इसके साथ स्पून भी दिया हुआ है इन्होंने, बड़ा क्यूट सा छोटू सा। उस दिन जो हुरैन और दरक्षा की लड़ाई हुई थी इसी पर हुई थी, क्योंकि इन दोनों को भी बड़ा पसंद है। और महा वो हुरैन तो यही बोलती है ग्वादर केक, ग्वादर बोलती है ग्वादर केक इसको, दवादर केक बोल के, दवादर केक। तो ये बड़ा मज़े का होता है, अंदर से ना ये थोड़ी सी चॉकलेट भी होती है बीच में इसके, है तो चॉकलेट केक ही, लेकिन वो जो होती नहीं होती मेल्ट वाली, वो होती है अंदर। गिर गया। 4 बजने वाले हैं और ये अभी तक नहीं आए गाइस, और मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, तो मैं अभी घर आई हूँ यूनिवर्सिटी से, और महाद साहब जो है वो नहीं आए थे, पूरी रात वो गायब रहे थे, और वो सुबह के वक्त आए हैं, और बिल्कुल जब मैं निकल रही थी तब आए, और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उनकी बेगम कहाँ है, कैसे जा रही है, क्या कर रही है, क्या खाया है, क्या पिया है, नथिंग। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि वो आ जाएं घर में, सो जाएं, दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं, बस। और इंस्टा पे भी मैंने पोस्ट लगाया कि भाई आप लोग बताएं पोल में कि जो है मैं महाद को जाने दूं या फिर जो है ज़बरदस्ती बुलाऊं, तो एवरीवन वाज विद महाद। भाई आप लोग सभी महाद का साइड हो, वैसे सच में आप लोग सब सिर्फ महाद का साइड लेते हो, मेरा कोई भी साइड नहीं लेता, और कोई भी नहीं बोलता कि नहीं आप ज़बरदस्ती बुलाएं, नहीं ये करें वो करें, और बस सब ऐसे ही हैं, कोई मुझसे सब दिखावे का प्यार है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बाय बाय गाइस, बाय, मैं अब किसी से बात ही नहीं करूँगी, और मैं आपको ही बोलूँगी व्लॉग बनाए सब करें, मैं आप लोगों को अपडेट ही नहीं करूँगी, मैं सबसे नाराज़ हो गई हूँ बस। अब यार अभी मैंने खाना वाना बनाया है, सफाई वफाई करवाई है, और अभी मैं लेट गई हूँ, और मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय द वे ये मेरा टेरेस है, मुझे तो पता ही आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, ये मेरा टेरेस है, वो मेरा झूला रखा हुआ है वहाँ पे। और बस मैं अभी व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि पता है मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है, और महान अजहर भी है नहीं, तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह मिलती हूँ कल के व्लॉग में, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा था मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आप लोगों को पता है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जल्दी जल्दी 50K कर दो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, कितनी देर लगाओगे, जितना शेयर हो सकता है शेयर करो अपने कजन्स में, अपने दोस्तों में, और बोलो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, इसी तरह प्यार करते रहना जिस तरह करते हो, कांस्टेंट सपोर्ट आपकी बहुत ज़रूरत है हम लोग को, और बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।